दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन को Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Redmi Note 13 के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5K वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वैसे तो दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको और भी ज्यादा बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर दिया ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi Note 13 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5K वाली डिस्प्ले मिल रही है जो कि और भी ज्यादा बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो Redmi Note 13 यहां पर Gorilla Glass 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro यहां पर Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। भाई नो डाउट स्क्रीन प्रोटेक्शन बिल्कुल टॉप लेवल वाली चाहिए ना भाई, तब भी Redmi Note 13 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आते हैं जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है, यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन के अंदर आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छी बात है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Redmi Note 13 5G के अंदर हमें Dimensity 6080 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 2 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको और भी बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi Note 13 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 2 मिल रहा है जो कि भाई बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Redmi Note 13 की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro का मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों Redmi Note 13 5G का जो मेन कैमरा है ना भाई 108 मेगापिक्सल का भाई बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया जो कि एकदम अच्छी वाली फोटोज क्लिक कर देगा आपकी। भाई कैमरा सैंपल आप Redmi Note 13 के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं किसने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको और भी ज्यादा भाई एकदम बढ़िया वाली ऑप्टिमाइज फोटो क्लिक करनी है ना, डिटेलिंग ज्यादा चाहिए, तब आप यहां पर Redmi Note 13 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। भाई आप इस फोन के कैमरा सैंपल स्क्रीन के ऊपर देखिए कितनी बढ़िया तरीके से Redmi Note 13 Pro ने डिटेलिंग को यहां पर कैप्चर की है। और दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो Redmi Note 13 5G के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। और यहां पर तो यार वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी फर्क है, क्योंकि Redmi Note 13 5G यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। नो डाउट दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो भी बनानी है ना भाई, एकदम बढ़िया स्टेबल वीडियो, तब भी आप यहां पर Redmi Note 13 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, दोनों फोन्स फ्रंट कैमरा के हिसाब से बढ़िया डिटेलिंग्स को कैप्चर कर देते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Redmi Note 13 5G यहां पर 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro यहां पर 5100 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों बैटरी के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार फास्ट चार्जिंग ज्यादा वाले चाहिए ना, तो Redmi Note 13 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन से यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक और स्टीरियो स्पीकर हमें दोनों फोन के अंदर दिए गए हैं, और सिक्योर
सिक्योरिटी के लिए हमें Redmi Note 13 5G के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन के 8+128GB वेरियंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 20,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन के 8+128GB वेरियंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 25,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई, वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 20,000 रुपए तक का, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Redmi Note 13 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि ओवरऑल यार ये जो स्मार्टफोन है ना एकदम बढ़िया है। लेकिन वही दूसरी तरफ दोस्तों 25,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आपको बढ़िया फोन चाहिए ना भाई Redmi की तरफ से, तब आप यहाँ पर Redmi Note 13 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि यार ये जो दोनों फोन है ना भाई अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ओनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।